रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने ऐतिहासिक मोड़ लिया है। 20 दिन से जारी इस युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दो लोग लगातार लड़ रहे हों तो किसी एक के शांत होने से भी चीजें स्थिर हो जाती हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अब युद्ध रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जंग के बीच जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। न्यूज एजेंसी स्पूतनिक के मुताबिक जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से कहा, हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम नाटो में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए अपील किया था, लेकिन उसे तब भी मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से युद्ध रुक सकता है और रूस के तेवर भी नरम हो सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध के बड़े कारणों में से एक था। इस युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दोनों देशों में चल रहे जंग के बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस की खुफिया एजेंसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। इस खुलासे में यह दावा किया गया है कि रूस के पास अब केवल महज 14 दिन का ही गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इन हालातों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वाकई में रूस के पास गोला बारूद कम है तो क्या अब रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अभी भी यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना तमाम जोर लगाने के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई है। युद्ध खत्म करने को लेकर यूक्रेन और रूस में एक और दौर की बातचीत आज हो सकती है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी नेताओं से कहा, उनके देश द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला उन्हें उल्टा पड़ेगा और आर्थिक पाबंदियों की वजह से उनके लोग उनसे नफरत करेंगे। जब उन्हें आपके झूठ का एहसास अपनी जेब कम होती संभावनाओं से होगा और रूस के बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने का एहसास होगा तो वे आपसे नफरत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को अपनी फौजों को यूक्रेन में घुसने की इजाजत दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात को कई बार कहा है कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। युद्ध की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। अब जबकि यूक्रेन ने इस बात को कहा है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा तो शायद 21 दिन से जारी इस युद्ध में शांति का नया मोड़ आ सकता है।